गोरखनाथ मंदिर के परिसर में बने नौ देवी देवताओं की नवीन मंदिरों में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठानों के द्वितीय चरण का शुभारंभ सोमवार सुबह मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने मानसरोवर मंदिर से पांच कन्याओं को जल भरा कलश सौंप कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया। यह कलश यात्रा 21 मई तक गोरखनाथ मंदिर में होने वाली श्रीमद् भागवत पुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए निकाली गई। इस अवसर पर रथ पर विराजित सभी नौ नवीन देव विग्रहों की रथ यात्रा भी निकाली गई। यात्रा के गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला में कलश स्थापना की और पंचांग पूजन किया। शोभा यात्रा में सबसे आगे शंख बजाते हुए वेदपाठी विद्यार्थी देव विग्रहों की अगवानी करते हुए चल रहे थे। बैंड बाजों की धुन के अनुगुंज के बीच यात्रा में सजाए गए रथों पर विराजित वह देव विग्रह थे जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आगामी 21 मई को गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के हाथों होनी है। इसके बाद साधु संतों की टोली संग यजमानगण साधु संतों के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में केसरिया व पीत वस्त्रधारी महिलाएं व कन्याएं जब सिर पर आस्था का कलश लेकर आगे बढ़ रही थीं, तो राहगीरों के मस्तक श्रद्धा से झुक जा रहे थे। कलशधारी श्रद्धालुओं के पीछे वेदपाठी छात्र जय श्री राम का उद्घोष करते तो सभी जन जय घोष में सुर मिलाते रहते। इस भव्य यात्रा में रंग से लेकर तरंग तक सब कुछ भक्ति भाव में सराबोर था। पीले कुर्ते धोती व केसरिया पगड़ी पहने वेदपाठी विद्यार्थियों का शंखनाद व जय श्री राम का उद्घोष नैनाभिराम था और कर्णप्रिय भी। कलश व रथ यात्रा में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, मिथिलेश नाथ, मंदिर के मुख्य पुरोहित रामानुज त्रिपाठी, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, चचाई राम मठ के महंत पंचानन पुरी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, विधायक कपिल वस्तु, श्यामधानी राही, विधायक मेहंदावल अनिल तिवारी, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, अरुणेश शाही, रणजीत सिंह, कथा के यजमान विष्णु प्रसाद, अजीत सरिया, ओम प्रकाश जालान, अतुल सर्राफ, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, तन्मय मोदी, राजेश मोहन सरकार, शंभु शाह, श्रवण जालान, प्रदीप जोशी, रमाकांत निषाद, पार्षद पवन त्रिपाठी, धर्मदेव चौहान, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर त्रोहित मिश्र, नित्यानंद त्रिपाठी, पुरुषोत्तम चौबे, ब्रिजेश मणि मिश्र, द्वारिका तिवारी, वीरेंद्र सिंह, दुर्गेश बजाज, अमित सिंह, मोनू, विनय गौतम आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योगी सोमनाथ ने कहा, आज गोरखनाथ मंदिर से संबंधित मानसरोवर मंदिर में पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा रुद्र अभिषेक किया गया और उसी क्रम में मानसरोवर मंदिर से गोरखनाथ मंदिर तक कलश यात्रा की जा रही है और आज गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित दिव्यनाथ सभागार में श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा। कथा हेतु डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी वृंदावन धाम से पधारे हैं और आगामी 21 मई को गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित नवनिर्मित नौ मंदिरों में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नौ मंदिरों में हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर और छठी माता षष्ठी देवी संतोषी देवी और नौ गिरे और भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और रोज आज से लेकर के प्रतिदिन श्री श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ का गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में आयोजन किया जाएगा।